अभी के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत बेसिक बेसिक से टर्म जो हमेशा सुनते होगे आप रिएक्शन में, लेकिन समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। वही गलती हम बार बार करते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा टर्म है, आपने सुना होगा हाइड्रेशन। तो नाम से क्लियर है, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। किसी मॉलिक्यूल में वाटर के एडिशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। अच्छा, इसी के अगेंस्ट ठीक है डिहाइड्रेशन। आपने सुना होगा कि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, ठीक है, मतलब वाटर बाहर निकल गया, मींस रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब हम बोलते हैं ये टर्म किसी रिएक्शन के टर्म में कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे कि जब भी हम अल्कीन लेते हैं और अल्कीन में हम वाटर ऐड करते हैं तो बोलते हैं ये एक हाइड्रेशन रिएक्शन है। क्यों बोलते हैं हाइड्रेशन? ठीक है कि ये बॉन्ड ब्रेक करता है, एक पे आता है एच और एक सी पे आता है ओ एच, और फाइनली क्या मिल जाता है? एच और ओ एच। तो हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है? हाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे फाइनली अल्कीन से देखो यहाँ पे क्या हुआ, एच और ओ एच ऐड हुआ, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कैसा रिएक्शन है? हाइड्रेशन। इसी के अगेंस्ट अगर हमने यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिया इस एल्कोहल से, ये एल्कोहल बन गया, यहाँ से अगर आपने वाटर बाहर निकाल दिया तो दोबारा समय क्या मिल जाएगा? अल्कीन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा रिएक्शन है? यहाँ से यहाँ तक ये डिहाइड्रेशन है, ठीक है, वाटर बाहर निकला, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से टर्म आपने सुना होगा? जैसे हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन एक हैलोजनेशन रिएक्शन है, मीन्स समझ आ गया होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। जब भी हम हैलोजन का एडिशन करते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो क्या बोलते हैं? हैलोजनेशन रिएक्शन है। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम अल्केन लेते हैं, ठीक है, सी एच फोर लिया, इसमें हमने सी एल टू ऐड किया इन प्लेस ऑफ एच म्यू, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी एच थ्री एच और सी एल टू, तो यहाँ से एच सी एल बाहर निकलेगा और क्या मिल जाएगा? सी एच थ्री सी एल और एच सी एल। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, इस अल्केन में क्या ऐड हो गया? सी एल। तो हम बोलेंगे कैसा रिएक्शन है? ये एक हैलोजनेशन रिएक्शन, मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। इसी के अगेंस्ट हैलोजनेशन हो गया, डीहैलोजनेशन भी बोल सकते हो, खैर वैसे रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं, हैलोजन बाहर निकालना, ठीक है। हाँ, आपने ये टर्म सुना होगा हाइड्रोहैलोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोहैलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ एच एक्स, किसी मॉलिक्यूल में एच एक्स का एडिशन करना, एडिशन ऑफ एच एक्स मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड, एच एक्स मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, एच एक्स के एडिशन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड, ये है एच एक्स, और इसके एडिशन को बोलते हैं हाइड्रोहैलोजनेशन, ठीक है। इसी के अगेंस्ट अगर आपने एच एक्स बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल मतलब बाहर निकलेगा तो वहाँ पे आपको देखोगे डी वर्ड लग जाता है, जैसे हाइड्रोहैलोजनेशन है, ठीक है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा? डी हाइड्रोहैलोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एच एक्स, सिंपल। जहाँ पे डी वर्ड लग जाए, चाहे डिहाइड्रेशन हो, ठीक है, हाइड्रेशन का उल्टा, हाइड्रोहैलोजनेशन हो मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन, इसी का उल्टा डिहाइड्रोहैलोजन मतलब रिमूवल ऑफ एच एक्स, रिमूवल ऑफ एच एक्स हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने ये कंपाउंड लिया सी एच थ्री सी एच टू बी आर, ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, ऐसा आपको शायद पता ना हो रिएक्शन के बारे में, बस अभी हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये रिएक्शन हाइड्रोहैलोजनेशन है और कैसे ये रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजनेशन है। अगर आपने क्या किया, यहाँ से एच और बी आर बाहर निकाल दिया तो क्या मिल जाएगा? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, तो यहाँ से यहाँ तक एच बी आर बाहर निकला, देखो ध्यान से हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकला, तो हम क्या बोलेंगे ये कैसा रिएक्शन हो गया? डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, ठीक है। और इसी में अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर आपने एच एक्स ऐड कर दिया, अगर आपने यहाँ पे एच एक्स ऐड कर दिया या एच बी आर ऐड कर दिया तो देखो ये मिल जाएगा, तो क्या बोलेंगे कैसा रिएक्शन हो गया? हाइड्रो हैलोजनेशन, ठीक है।
ऐसी बहुत सारे रिएक्शन से बोलते हैं अल्काइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, नाइट्रेशन एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, है ना। तो जो भी ऐड होगा उसी के नाम पे रिएक्शन हो जाएगा, और जो बाहर निकालोगे तो उस नेम मतलब जो भी है हाइड्रो हैलोजनेशन तो डी वर्ड लगा दो, ठीक है। यही सारे टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ है बट हमें समझना ज़रूरी है। ओके।